दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे देखी होंगी, लेकिन जो मैं जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, शायद आपको वो जानकारी उतनी सटीक ना मिली हो। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, हो सकता है वीडियो भी लंबा हो जाए, कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में होता क्या है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और ऐसे 5 घरेलू नुस्खे या रेमेडीज जिनको अगर आप लगातार इस्तेमाल करें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है भी तब भी आप इसको कम कर सकते हैं, आपकी डोजेस कम हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसका मतलब होता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर जो खून की नसें हार्ट से ब्लड आपके पूरे शरीर में लेके आती है, उनके अंदर दबाव ज्यादा रहने लगता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्टरी का ल्यूमन कम हो जाए, आप मोटे हैं बहुत ज्यादा, वो कई सारे कारण होते हैं। तो जब दबाव ज्यादा होने लगता है तो आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको ज्यादा प्रेशर से आपके हार्ट को जो है ब्लड आगे आपके शरीर में भेजना पड़ता है। इसी को हाइपरटेंशन या हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इसके प्रमुख कारण है, एक होता है जेनेटिक। आपको खानदानी अगर बीमारी है, आपके माताजी, पिताजी को, दादा को, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या है, तो आपको भी रिस्क है, इसलिए आपको प्रिवेंशन लेने जरूरी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिसके अंदर सोडियम यानी कि नमक बहुत ज्यादा पाया जाता हो, या जिसके अंदर फैट और चिकनाई बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप जब बाहर का भोजन खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर का पिज्जा, बर्गर या ऐसी चीजें खाते हैं जिनके अंदर नमक की थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है, तो ये नमक जो है वो आपके शरीर के अंदर पानी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अगर फ्लूड रिटेंशन होगा तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, अगेन ब्लड प्रेशर को या खून को आगे ले जाने के लिए, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपकी किडनी भी ठीक से काम नहीं करता है, और किडनी अगर ठीक से काम ना करे तो ये सेकेंडरी कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का। तीसरा बड़ा कारण है, ये भी डाइटरी फैक्टर है, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, चिकनाई लेते हैं, जो आपके खून की नसों में जमने लगती है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा रेड मीट खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली भोजन करते हैं, फ्राइड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो ये सारे का सारा भोजन बाद में जो है वो पचता नहीं है, या तो आपकी पेट पे या जमने लगता है चिकनाई के तौर पे, और उसी तरीके से आपकी नसों के अंदर भी जमने लगता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से आपकी नसें नैरो हो जाती हैं और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। उसके साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ भी, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं, कुछ इंजरीज भी होने लगती हैं आपकी आर्टरीज के अंदर, वो भी ब्लड प्रेशर का एक कारण बन सकते हैं। और जो एक बड़ा कारण होता है, मोटापा। मोटापे में, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ओबीज हैं तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को आगे भेजने के लिए, इसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ कुछ डिजीजेज, जैसे आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ही जाती है। उसका कारण ये होता है कि एक तो किडनी ठीक से काम नहीं करते हैं, और आप जब ज्यादा ब्लड प्रेशर आपके अंदर रहता है तो एक इंसुलिन से भी इसका संबंध होता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो भी ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ा फैक्टर है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं, तो ये भी हार्ट की बीमारियों का और ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अंडरलाइन कंडीशन या कुछ बीमारियां भी, जैसे हमने बात की पहले कि किडनी की बीमारी में, या कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी को होता है ऐसे मरीजों में, या बहुत सारी दवाइयां कुछ इस तरह की होती हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट बीमारियां होती हैं, कुछ हार्मोनल पिल्स भी होती हैं, इवन जैसे बहुत सारी फीमेल हार्मोनल पिल्स लेते हैं उसके कारण भी, या हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं उसके कारण भी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे कोई भी फैक्टर्स हैं, ये कारण हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो उनको दूर करें। और जो सबसे बड़ा कारण जिसको मैंने लास्ट में लिया है, होता है दोस्तों स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बड़ा कारण होता है आपकी आर्टरीज के अंदर इंजरी होने का, जिसके अंदर वहाँ पे प्लाक्स जमने लगते हैं और नैरो होने लगती हैं आर्टरीज, जो ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाता है साथ ही साथ हार्ट अटैक के खतरे को और स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा देता है। तो अभी हमने कारणों की बात की थी, अब बात करते हैं कि भाई अब इसको ठीक कैसे करें। तो अगर इतने कारणों को हम इनको अवॉइड करें, अगर आप कारण ही दूर करेंगे तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। उसके लिए देखिए, आप लो सॉल्ट डाइट लें, अपने खाने में नमक कम रखें,
खाएं जरूर, सेंधा नमक इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेटर होता है, और कोशिश करें कि टेबल पे नमक ना रखें, जितना भोजन में डलता है वही काफ़ी है, आगे से छिड़क के नमक ना खाएं, ये आपको काफ़ी फायदा करेगा। उसके अलावा आप ऐसे भोजन करने से बचें जिनके अंदर फैट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा हो, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्राइड हो गया, समोसा हो गया, इस तरह की चीज़ें खाने से बचें, कभी कभार खाएं कोई बात नहीं है, और साथ में उतना वर्कआउट जरूर कर लें कि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं उनको आप बर्न कर दें। अगर आप डेली का 30 से 35 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं होगी, इससे आपका किडनी फंक्शन भी ठीक रहेगा, लीवर फंक्शन ठीक रहेगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक जाएगी, मोटापा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरी सब्जियाँ, जो जीवित भोजन है उसको खाएं, अनाज खाएं, साबुत अनाज खाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, और ऐसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी आप ले सकते हैं, हर्बल रेमेडीज भी ले सकते हैं जिनसे आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहेगा, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट ना होने दें, अगर स्ट्रेस है तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल करके रखें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो देखिए फटाफट आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, ये आपका नॉन फैक्टर है, ये आपके हाथ की बात है, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको खतरा हमेशा बना रहेगा। अल्कोहल को नियमित करें, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ना लें, थोड़ा बहुत अगर पीते हैं तो वो फायदा करेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो ये भी एक कारण बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। और जो सबसे बड़ी बात है, दुकान छोड़ दें, दुकान पे जाना बंद कर दें, यानी कि बाहर खाना बंद कर दें, तो जो आपका आदत होती है कि नहीं चलो आज पिज्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, दोस्त पार्टी में जाते हैं और साथ ही कहीं से हमने कोई स्वीट ड्रिंक कोई कोल्ड ड्रिंक उठा लिया, इनसे अगर आप बचे रहेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और अगर आप इन कारणों को दूर ही कर लेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स भी कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करते रहें। अब बात करते हैं उन 5 रेमेडीज़ के बारे में जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप इनको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और कंट्रोल रहेगा, डेफिनेटली कंट्रोल रहेगा। तो आप अपने भोजन में जो है ना वो एक तो गार्लिक का या लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें, अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें, ये दोनों ही ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं कहूँगा आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आपके किचन में मिलती हैं, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। लहसुन के अंदर एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, वो वैसोडायलेटर का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को लोअर करके रखता है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स को भी घटाता है। तो लहसुन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जनरली कच्चा लहसुन खाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको फर्मेंट करके खा सकते हैं, फायदे उतने ही होंगे पर आप उसको आसानी से खा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। दूसरा, अर्जुन की छाल, ये भी बहुत बेहतरीन दवाई है आयुर्वेदा में। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए अर्जुन की छाल को रात को आप पानी में उबाल के रख दीजिए, उसको सुबह तक रखा रहने दीजिए, सुबह इस पानी को छान लीजिए और जो पानी है उसको पी लीजिए। आप इसको लगातार पिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपके एक तो ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और वैसे भी ये एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा और भी बहुत सारे आपके बॉडी फंक्शंस को, डाइजेशन को भी ठीक करेगा, लीवर के फंक्शन को भी ठीक करेगा। तीसरा, आप तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करें। तुलसी का आप सिर्फ एक दो पत्ता रोज मुंह में डाल लें, चबा के खा लें, तो उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आपके एक तो मुंह की बदबू भी जाती रहती है और साथ ही साथ ये आपके कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहता है। मेथी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फेनुग्रीक सीड्स का आप इस्तेमाल करें, तो एक तो ब्लड प्रेशर को भी लोअर करता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक लोअर करने में, कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल कैसे करें, रात को इसको आप पानी में भिगो के रख दें और सुबह जो है इसको छान लें, अच्छा थोड़ा मिक्स कर लें और फिर इस पानी को छान के पी लें और बाकी जो मेथी सीड्स हैं उनको आप चबा के भी खा सकते हैं। और पांचवा, आप आंवला का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप आंवले कच्चे भी खा सकते हैं, आप उसका रस निकाल के भी पी सकते हैं, आंवला चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, लेकिन आप रोज़ाना आंवला अगर लेना शुरू करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। एक तो इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं। साथ में आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें, वो डायुरेटिक का काम करेगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ये वो होम रेमेडीज थी जिनको आप कभी भी कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है जितना आपके पास समय हो, लेकिन इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखने वाले हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा और मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। बाकी अगर आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेशन की वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।